हेलो, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है? ठीक हो? मैं भी ठीक हूँ। अल्लाह पाक आपको ठीक रखे, दीन दुनिया की खुशियाँ दे। तो आज मैं बनाऊँगी खशखश का हलवा। ये इसको पहले धोऊँगी, ये मट्टी, इसके अंदर इतनी मट्टी है, रेत है। इसको मैंने छाननी से छाना है लेकिन मट्टी फिर भी रह गई है। फिर मैं इसको अच्छे तरीके से वॉश कर रही हूँ नल के नीचे, तो इसमें ये छोटी छाननी से छान रही हूँ, फिर भी इसके अंदर इतनी मट्टी रेत निकल रही है। एक वो तरीका है, कि ये तरीका ऐसा करने का, खशखश को पानी इसमें डालें और जैसे पुराने ज़मानों के दाल धोते होते थे, ऐसे पत्थर गीटे बीच में पीछे रह जाते हैं कटोरे में। तो ये देखें, ये मैं दो दफ़ा निकाल चुकी हूँ, अब ये रेत फिर इतनी आई है। तो ये ना हो के फ़ायदे के बजाय नुकसान इंसान को हो जाए। ये अच्छी तरीके से इसकी मिट्टी साफ़ करके, वॉश करके फिर मैं जग में डालूँगी, इसको ब्लेंड करूँगी। इसको मैंने 2-3 घंटे पानी में भिगो के रखा था। थोड़ा सा पानी डालूँगी इसमें और अच्छे तरीके से ब्लेंड हो जाए। धोना इसको अच्छे तरीके से ज़रूरी है। और ये मैंने फ्राई पैन लिया और इसमें डाली, देखो कितनी मज़े की ये पिस चुकी है। ये भिगो के रखने से नरम हो जाती है और मुलायम बन गई है, माशाल्लाह। ये देखें, कोई एक का दाना नज़र आ रहा है, वरना ये ग्राइंड करनी बड़ी मुश्किल होती है खुशबू। तो माशाल्लाह, जग से सारी निकाल लें। इसमें मैंने और कुछ भी नहीं डाला, सिर्फ खशखश धो के और पीस के डाली बस। इसमें थोड़ा सा पानी जो मैंने पीसने के टाइम डाला है, तो ये अच्छे तरीके से पानी खुशक हो जाए, फिर इसमें और चीज़ें डालूँगी। वीडियो एंड तक देखना, स्किप नहीं करना प्लीज़, तब पता चलता है कि क्या क्या इसमें डलता है, क्या डला है। हो सकता है आप मेरे से ज़्यादा बेहतर अच्छी बना सकें। तो माशाल्लाह, ये अभी मैं सूजी को ही, इसी सॉरी खशखश को ही भून रही हूँ। कितना मज़े का इसका कलर है, ये देखें, और कितनी प्यारी खुशबुएं आ रही हैं। यकीन माने, ये इतनी अच्छी चीज़ है, इतनी अच्छी चीज़ है। ये दिमाग को सुकून देती है, जिसका सर दर्द होता है उसको आराम आ जाता है ये खाने से। ये खशखश का हलवा 2 चम्मच खाएं निरन्ने पेट, रात को सोते टाइम, और माशाल्लाह पुरसकून नींद आएगी इंशाल्लाह। और ये बहुत ही मुफीद चीज़ है हड्डियों के लिए, कैल्शियम। ये देसी घी में 3 चम्मच डाल रही हूँ इसमें। अब पानी खुशक हो रहा है, अब इसमें देसी घी डाला है, घी में भुजेगी। ये माशाल्लाह घर का बना हुआ घी है। ये बहुत ही अच्छी चीज़ है, बहुत ही अच्छी चीज़ है। कैल्शियम का खजाना है माशाल्लाह। ये हड्डियों जोड़ों का दर्द, सर में दर्द, जिसकी माशाल्लाह, ये खून में भी मदद देती है बनाने में। और सर्दियों में तो ये हमेशा खानी चाहिए, सर्दियों की सौगात है माशाल्लाह। ये बड़े बुज़ुर्ग खाते होते थे, नानियाँ दादियाँ बना के देती होती थी। आजकल बच्चों को नहीं पता, लेकिन बच्चों को, पढ़ाई वाले बच्चों को ज़रूर बना के दें। ये तो आँखों के लिए भी बहुत अच्छी है। इतनी प्यारी इसकी खुशबू आ रही है, देसी घी अब इसमें डला है। तो माशाल्लाह, ये देखें, इसका कलर चेक करें। खुद अपना ऑयल भी ये छोड़ती है, जब भूनती है तो इसका अपना ऑयल भी निकलता है। और ख़ास बात ये कि इसको भिगो के रखें, कम से कम पूरी रात भिगो के इसको रखें, फिर तो 5 सेकेंड में ये बिल्कुल ब्लेंड हो जाएगी। तो मैंने 2 घंटे भिगो के रखी, मेरे पास इतना टाइम नहीं था। और वाश अच्छे तरीके से करें, कम से कम 2 चमची मिट्टी की इसमें से निकली है, रेत मिट्टी। तो ये अच्छे वॉश करना, सबसे अच्छा तरीका इसको वॉश करना है। अच्छे तरीके से वॉश करके इसको सूखे तवे पे फ्राई पैन में डाल के खुशक करके आप रख सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। जब दिल करे डाली, ब्लेंड की थी, साफ धुली पड़ी होगी। तो इसका कलर भी वाइट माशाल्लाह इतना प्यारा निकल आया, ये देखें, इतनी प्यारी खुशबुएं आ रही हैं, मैं क्या आपको बताऊं माशाल्लाह।
ये सिर्फ 100 रुपए की मैं खश खश लाई हूँ और माशाल्लाह देर हलवा बन जाएगा इसका। सारे बच्चे घर वाले सारे आराम से खा लेंगे माशाल्लाह। ये देखें, ये ब्राउन होएगी, फिर आगे मैं इसका आगे चीज़ें जो डालूंगी वो साथ साथ स्किप नहीं करना, देखना आगे आगे इसमें क्या डलता है, कैसी मज़े की बनती है। वीडियो एंड तक देखा करें, सब्सक्राइब किया करें प्लीज़, लाइक किया करें, शुक्रिया बहुत बहुत जो कर रहे हैं। जो नए देखने वाले हैं वो सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुंच जाए माशाल्लाह। ये देखें, ये अभी इसको कम से कम 10 मिनट भूनना है हल्की आंच में, जलने ना पाए। तेज़ आंच करोगे तो ये जल जाएगी माशाल्लाह। ये नॉन स्टिक फ्राई पैन में बना रही हूँ और इसके साथ लगती नहीं है माशाल्लाह, बहुत मज़े की। ये देखें, माशाल्लाह ये खुशबुएं इतनी प्यारी इसकी आ रही है, बहुत ही मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, ये बहुत अच्छी चीज़ है। सर्दियों में नज़ला, ज़ुकाम, गला ख़राब, खांसी, ये नींद बड़ी पुरसकून आती है माशाल्लाह, हड्डियों के लिए बहुत अच्छी है। ये माशाल्लाह देखें, ये अभी इसमें और बहुत मज़े की चीज़ें डलेंगी तब मुकम्मल होगी ये माशाल्लाह। ये देखें, ये मैं चेक कर रही हूँ हाथ से और बिल्कुल नरम मुलायम है। ये देखें ब्राउन हो चुकी है और खुशबुएं आ रही हैं। हल्की आंच में थोड़ा सा टाइम लगता है इसको भुनने में और बहुत ही मज़े की बनती है। अभी ये देखें ब्राउन हो चुकी है। अभी इसमें ये मूंगफली की गिरियां और किशमिश डाल रही हूँ, साथ साथ ये भी इसमें भून चुके पक चुके माशाल्लाह, इसमें भी कलर आ जाए, रोस्ट हो जाए, ये माशाल्लाह रोस्ट होएगी साथ साथ। अभी और चीज़ें इसमें डलनी है। अभी देखें माशाल्लाह अलग अलग हो गया है, बहुत मज़े का इसका हलवा है बहुत ही। अभी इसमें जाएगी और चीज़ें, ये नारियल मैंने काट के कुछ डाला है और किशमिश डाली है, ये भी साथ साथ रोस्ट हो जाए और अभी इसमें डलेगा माशाल्लाह ये दूध। ऑलपर का 1 पैकेट दूध का मैंने डाला है पाव वाला, आप जितना आपकी मर्जी डाल सकते हैं, फ्रेश दूध भी डाल सकते हैं, 2 पैकेट भी डाल सकते हैं। तो ये मैंने 1 पैकेट इसमें डाला है, 1 कप खसखस का था और 1 पैकेट दूध का पाव वाला डाला है इसमें मैंने। और आगे माशाल्लाह देखें आगे आगे, ये मैंने गुड़ ब्राउन वाला गुड़ कूट कर डाला है बड़ा जो होता है, और आंच बिल्कुल आस्था मैंने रखी हुई है इसकी। अभी ये कलर आएगा माशाल्लाह इतना प्यारा है इसका। आप चीनी भी डाल सकते हैं आपकी मर्जी, ये कुछ शक्कर वाइट वाइट शक्कर भी है, तो ये वाइट शक्कर भी थोड़ी सी मैंने डाली है, ब्राउन गुड़ डाला, वाइट थोड़ी सी शक्कर डाली है, मीठा तो मीठा होता है माशाल्लाह। तो आप चीनी भी डाल सकते हैं आपकी मर्ज़ी, मिश्री भी डाल सकते हैं। ये जब तक इसका दूध बिल्कुल खुशक नहीं हो जाता इसको हम पकाएंगे हल्की आंच में। तो माशाल्लाह अभी गुड़ डला है, इसकी खुशबुएं और दूध माशाल्लाह, ये चेक करें कलर इसका कितना प्यारा है, अभी गुड़ के साथ ब्राउन कलर बन जाएगा माशाल्लाह। ये मैंने कई दफ़ा बनाया घर में माशाल्लाह, बच्चे तो छोड़ते ही नहीं हैं, तो मैंने कहा आज वीडियो भी शेयर करती हूँ, सर्दियाँ हैं सर्दियों में तो बनाना चाहिए। आप इसमें बादाम भी पीस के डाल सकते हैं और जो जो भी ड्राई फ्रूट डालना चाहें
अपनी मर्जी का डाल सकते हैं माशाल्लाह। ये तो ये मैंने मूंगफली डाली, किशमिश डाली, नारियल डाला है और दूध है और गुड़ शक्कर। तो इससे माशाल्लाह ये देखें कितना मज़े का इसका कलर हो रहा है, और बिल्कुल इसका कोई दाना नहीं नज़र आ रहा है, बिल्कुल पेस्ट बन गया। ये देखें माशाल्लाह, ये नारियल की भी खुशबुएं साथ आ रही हैं, किशमिश की, मूंगफली की। अब इसका खुशक हो जाए दूध बिल्कुल, आप ऐसे भी रखना चाहें तो ऐसे भी रख सकते हैं, आपकी मर्जी। तो मैं थोड़ा सा गाढ़ा ही रखूँगी हलवे जैसा, तो आप ऐसे भी रख सकते हैं। ये चाय में साथ साथ चाय बना रही हूँ दूसरे चूल्हे में, तो साथ साथ हलवे के साथ चाय। माशाल्लाह बारिश लगी हुई है, यहाँ मैं कहीं आई हुई हूँ तो इधर मैं बना रही हूँ तो यहाँ पे बारिश हो रही है, तो मैंने कहा चल बारिश में तो ये बारिश बारिश का मज़ा दुबाला हो जाए, चाय के साथ हलवा हो जाए, वो भी खश खश का हलवा माशाल्लाह। तो ये हमारी चाय तो तैयार हो रही है, साथ साथ इसको करती हूँ डिश आउट। बस ये थिक हो चुकी है, आपकी मर्जी जितना इसको थिक रखना चाहते हैं इतना इतना भी ठीक है, लेकिन मैं थोड़ी सी करूँगी हलवे जैसी शक्ल इसकी। अभी ये जो मैंने डाला था देसी घी, ये देखें सेटों पे देसी घी हलवा छोड़ रहा है, तो हलवा तैयार हो रहा है माशाल्लाह। ये चेक करें अभी क्या खुशबुएं, ये चाय मैंने कपों में डाली साथ, ये प्लेट में डिश आउट करती हूँ, ये फुल डन हो गया है माशाल्लाह। चूल्हा करती हूँ बंद, ये प्लेट में डिश आउट करती हूँ, बिस्मिल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। ये देखें क्या खुशबुएं, क्या कलर है इसका, ये बहुत ही मुफीद है। 2 चम्मच रात को सोने के टाइम, 2 चम्मच सुबह जब भी दिल करे, लेकिन दवाई के तौर पे तो ये माशाल्लाह, सर दर्द हो, जिस्म में दर्द हो, थका थका बंदा हो तो ये खाए माशाल्लाह। इसमें नारियल या चीज़ डालें, ये इसके बहुत ही फायदे हैं, बहुत अच्छी चीज़ है माशाल्लाह। वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना, अपना ख्याल रखना, अगली वीडियो मिलेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।